ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ପୁରୀରୁ ବିଜେପି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ବିଜେପି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି। 2016 ମସିହାରୁ ସେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାକୁ ନିଜେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବେଶ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। मैं 2000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुका हूँ और 7 स्टेट मोदी जी का ड्रीम जो गांधी जी का ड्रीम है स्वच्छ भारत मिशन और शांति उसको लेके मैं पूरी भारतवर्ष पैदल यात्रा करता हूँ। और मेरे ऊपर एक बॉलीवुड का मूवी आ रहा है दिस इज माय बायोपिक कैसे मैं गांधी जी बन के पूरी भारतवर्ष में स्वच्छ भारत मिशन को नारा लेके जा रहा हूँ। मोदी जी का जो ड्रीम है भारत को स्वच्छ बनाना उसको जन आंदोलन बनाने के लिए मैं पूरी भारतवर्ष में पैदल यात्रा करता हूँ। उत्तर प्रदेश गया था पूरी भारतवर्ष जाता हूँ। आज इतिहास में पन्नों में एक नाम जोड़ा गया फिर गुजरात बहुमत के साथ आया है उस खुशी को लेकर मैं गुजरात वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी को आशीर्वाद उन्होंने दिया जय जगन्नाथ जगन्नाथ का आशीर्वाद उनका ऊपर रहा पूरा भगवान का आशीर्वाद उनका ऊपर रहा। साढ़े हमारा जो देशवासी है सभी का 140 करोड़ देशवासी उन्होंने आशीर्वाद दिया उस 140 करोड़ से 140 से ज्यादा सीट आया तो उस खुशी को लेकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए आज ये गांधी जी का माटी है ये गुजरात माटी है ये शांति का माटी है प्रेम का माटी है भाईचारा का माटी है ये माटी ये प्रेम का संदेश देता है ये माटी देश इतिहास में एक नाम है गुजरात जहाँ पे गांधी जी से एक हिंसा नहीं अहिंसा रास्ता से जाकर पूरे भारतवर्ष को आजादी दिलवाए थे। इस माटी फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में जीत दिखा दिया ये माटी गांधी जी का माटी है मोदी जी का माटी है। ନିଜେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଏଥିସହ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାରତକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। मोदी जी जैसे गांधी जी का स्वच्छ भारत मिशन निकला है मैं गांधी जी थिएटर में बनता था जब मोदी जी आए स्वच्छ भारत लेकर गांधी जी का वो ड्रीम था मुझे इंस्पायर हो गया मैं उनसे इतना इंस्पायर हो गया तो मैं पूरी जगन्नाथ से पैदल यात्रा कर मैं 2000 किलोमीटर पैदल यात्रा किया। अभी पैदल यहीं से गांधीनगर से फिर दिल्ली पैदल यात्रा करूंगा मोदी जी से मिलूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं मेरे ऊपर एक बॉलीवुड में मूवी बन रही है जिसका मैं 2016 मसिया से शुरू किया पूरे भारत में इसे पैदल देखिए मैंने पैदल यात्रा करता हूँ और उस चीज को लेके बॉलीवुड एक मूवी बना है जिसका नाम है सिल्वर गांधी संदेश देना चाहते हैं ये गुजरात का माटी है गांधी जी का माटी है और भाईचारा का माटी है प्रेम का माटी है भारत का माटी है तो मोदी जी के साथ पूरे लोग है और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सारे पूरा देशवासियों के साथ साथ फिर एक बार मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जय गुजरात जय भारत जय जगन्नाथ। से पदयात्रा करी दिल्ली रे पहुंचिबे एवं मोदी को भेटिबे बोली कहिसेंति। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।